अगली खबर देहरादून से है, जहां अमृतसर, अयोध्या और वाराणसी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि एक साथ इन तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ होने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो हर स्तर पर, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का स्तर हो, चाहे रोड का स्तर हो, चाहे रेलवे का स्तर हो, हर स्तर पर जो है कि एक एक चीज को बारीकी से देख करके उस पर काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि धामी जी का ये प्रयास है कि उनके प्रयासों से आज पिथौरागढ़ नैनीसैनी से देहरादून की हवाई यात्रा प्रारंभ हो गई है, अपना हल्द्वानी से मुनस्यारी और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से चंपौत, ये तीन अपनी हेली सर्विसेज प्रारंभ हुई हैं। और आज एक नया आयाम उत्तराखंड को और धामी जी ने एक दिया है कि एक नया तोहफा मैं कह सकता हूँ कि जो आज धामी जी ने दिया है, वो है पंतनगर देहरादून और देहरादून से वाराणसी, देहरादून से अयोध्या। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि उड़ान योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना है, उसका एक तरह से भरपूर लाभ कैसे प्रदेशवासियों को मिले, इसके लिए अथक प्रयास पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। ये जो जितनी एयर कनेक्टिविटी उत्तराखंड को मिल रही है, इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड को होने वाला है। जहां एक और धार्मिक पर्यटन इसकी वजह से बढ़ेगा, एडवेंचर टूरिज्म इसकी वजह से बढ़ेगा, उसके साथ साथ इकोनॉमी, प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार के नए नए अवसर आएंगे। और विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हमारा एयर ट्रैफिक, एयर कनेक्टिविटी ठीक रहती है तो प्लान भी कम होगा, रोजगार मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की दृष्टि से एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा।